बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैमिली फ्यूजन। और मैं हूँ शाइस्ता फहद। तो आपके साथ मैं एक चाय की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो जिसका नाम है कैरमल चाय। और यह बहुत थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की चाय होगी, लेकिन बहुत सिंपल सी है। तो मैं आपके साथ वो अपनी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ चाय की। सबसे पहले एक पैन लेना है, और उसमें बिल्कुल पानी ना हो, बिल्कुल वो नॉर्मल हो। और उसमें मैंने ये 2 चम्मच चीनी ऐड कर दी है। और फिर इसके बाद मैं उसमें पत्ती ऐड कर दूंगी। पानी नहीं आपने डालना, और आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। जैसा कि आप ये देखें कि इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया, लेकिन ये चीनी मेरी मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं आपने डालना, ये मेरी चीनी बिल्कुल मैश होना शुरू हो गई है। जब ये पूरी मेल्ट हो जाएगी, तो फिर इसमें मैं दूध ऐड करती हूँ। देखिए, मेरी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, और ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गई है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैं करके इसमें दूध ऐड करूँगी। मैंने 2 कप चाय के बनाने हैं, तो इसमें मैं पहले थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, और फिर मैं इसको हिलाऊँगी। पहले आपको लगेगा कि ये मिक्स नहीं हो रही, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सारी ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। पहले इसको ये अच्छे तरीके से हिलाऊँगी, और ये बिल्कुल ताकि ये मिक्स हो जाए। जैसा कि ये देख सकते हैं कि इसको उबाल आ गया है। तो मैंने 2 कप बनाने हैं, तो मैं जो बाकी मेरा दूध है, तो मैं वो भी इस कप का वो इसे ऐड कर दूंगी। और इसको उबाल आने तक मैं इसको पका लूंगी, और फिर मैं इसको कप में डाल के आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें, चाय को उबाल आ गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, और मैं इसको कपों में अपने आप देख सकते हैं कि चाय का कितना खूबसूरत कलर आया है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल कैरमल फ्लेवर लग रहा है। और ये देखें कितनी शानदार इसका कलर है, और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चाय बनी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह से मेरी चाय बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है, और बहुत अच्छा कलर के साथ आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।